मेरा नाम मिर्जा नूरबेग है, भोपाल से हूँ और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक विंग फुटकर व्यापारी लघु व्यवसाय प्रकोष्ठ है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। हाल ही में एक फिल्म है जिससे खासा विवाद है और एक पार्टी के द्वारा उसको संरक्षण दिया जा रहा है, किस प्रकार से देखते हैं द कश्मीर फाइट को आप? देखिए, ये जो फिल्म बनाई गई है, ये तो फिल्म का उद्देश्य होता है पैसे कमाना, और या तो ये एक जो हमारी गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने के लिए एक मुहिम में आग में मतलब आग का काम झोंक रहे हैं, उसके लिए इन्होंने वो किया है, और झूठे सच्चे प्रकरण उसमें दिखाकर भावनाओं से खेलने के लिए, खासतौर से हिंदुओं को हिंदुओं की भावनाओं से खेलने के लिए तो इन्होंने ये एक फिल्म बनाया है। और फिल्म तो फिल्म होती है, फिल्म को अगर फिल्म के रूप में देखें तो ठीक है, और अगर उसको मोदी मोदी भक्त चश्मा लगाकर देखेंगे तो वो गलत है। अरे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक स्टेटमेंट आता है तो कश्मीर फाइल से ही पता चला कि कश्मीरी पंडित हुआ, किस प्रकार से देखते हैं इसको? क्या इसी प्रकार से ये सत्य है कि फिल्म के द्वारा ही सारी चीजें पता चलती है कि अभी वर्तमान में जिस प्रकार से महंगाई का दौर एक चल रहा है, आम आदमी आमजन परेशान है, ठीक है, इस पर भी कोई फिल्म बनना चाहिए जिससे कि बड़े नेताओं के बड़े लीडरों की आंखें खुले कि महंगाई से भी लोगों की मार मिल रही है? देखो, सही प्रश्न किया आपने कि फिल्म के माध्यम से तो जाता है मामला, लेकिन इस पे और भी बनना चाहिए। पुलवामा पे क्यों नहीं बनी भाई, जो कि हमारा मिलिट्री के 40 व्यक्तियों को नरसंहार हुआ वहां पर एक मुश्त में, तो उसके ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाई? और भी जो वहां परेशानियां हो रही थी 1988 से लगातार वहां उसके ऊपर, उस पर फिल्म क्यों नहीं बनाई गई? तो उसके तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने काफी अच्छा बोला था और पाकिस्तान से समझौता एक्सप्रेस भी चलाया था, वो किसी तरीके से गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए मुहिम चला रहे थे, उस पर फिल्म क्यों नहीं बनाते? कि वो अच्छाई है, अच्छाइयां भी तो हो रही थी, उस पर फिल्म नहीं बनाई? एक चीज आप ये बता रहे हो फिल्म के माध्यम से कि साहब एक पक्ष को दिखाकर कि हमारे साथ नरसंहार हुआ है, दूसरों पर भी हुआ है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ है। अब आपके सामने तो सरकार थी आपकी, प्रशासन आपके हाथ में था, उसका क्या रोल था उस समय ताकि ये इतनी बड़ी मुहिम तैयार हो गई, ये इतनी बड़ी घटना घटी है, तो उसमें सरकार का क्या रोल था? वो क्यों नहीं बता रहा है कि सरकार कहाँ पर फेल हुई है? अगर सरकार फेल हुई है तो ये भी सरकार को फेल होना चाहिए जो ऐसी फिल्मों को आम जनता के बीच में दिखा रहे हैं। इसमें सब किया गया, स्टेट डायरेक्टर मोदी जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बड़े सपने देखने की आदत, और वो हमेशा बड़ा ही कुछ करते हैं, वही है सामने और कुछ नहीं। अब इसको जनता को देखना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये धर्म बात जाति बात पे जो देश के अंदर आज ये हो रहा है, ये गलत है। हमें एकता की तरफ ले जाना चाहिए, लोगों को एक दूसरे को, जब तक अपन को ताकत इस देश को अगर बनाना है तो सबको एक करना चाहिए, एकता की जरूरत है, ना कि विवादित और ना इस प्रकार से दंगे फसाद की जड़ को करना चाहिए। तो आपको नहीं हुआ है, अत्याचार हुआ है और हर जगह हो रहा, आज भी हो रहा, गरीबों के ऊपर भी हो रहा, उसे कौन देख रहा? एक फिल्म के ऊपर हम ये कर रहे हैं, दर्द तो हर फिल्म के अंदर किसी न किसी का दिखता है और झलकता है, लेकिन आज जो देश में अब होना है या हमें करना है उस पे ध्यान देना चाहिए। अब तो कम से कम जो पीछे हो चुका, आगे जो होना है उसको देखिए, उस पे आप ध्यान लगाइए, उस पे नहीं, लोगों के दिमाग को भटकाना है, ये सीधा सीधा लोगों को अपने मुद्दों से हटा के इस मुद्दे पे दिमाग को लगा के भटका देना है ताकि इस आगे की मुद्दों को लोग भूल जाए। तो आगे का भी तो दिखाना चाहिए, पूरी फिल्म दिखाओ ना, पूरी फिल्म को दिखाना चाहिए कि असल में क्या हुआ था, कौन था, इसका किरदार कौन था, इसके बाद इस फिल्म को लाते। तो आप
उसको क्यों नहीं दिखाया जा रहा? और तो वो रिसर्च क्या भूल गए थे? उस रिसर्च को भी तो याद रखना था कि उसमें कौन था भाई। बीपी सिंह की सरकार थी और बीजेपी का समर्थन था, तो उस वक्त वो क्यों भूल गए? पुलवामा को क्यों भूल गए? गोत्रा को क्यों भूल गए? उसको भी तो लाना चाहिए था। मतलब इस दंगे को 2024 को देखते हुए माहौल बनाने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया गया है, क्योंकि इन्हें बड़ा सपने देखने का और बड़ा कुछ करने का बहुत अच्छा अनुभव है। सरकार की रहेगी, मोदी जी की रहेगी। आखिर मोदी जी ने तो इसको सारा पूरा बढ़िया फर्स्ट क्लास इसको काफी महत्व दे रहे हैं, तो इस पे उन्हीं की जवाबदारी है। हम अपने ही देश में अपने लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं कर मुक्त करके कि देखो और भड़को और लड़ो ताकि 2024 उनके पाले में जाए। ये है गोधा कांड और पुलवामा हमले पे भी कोई फिल्म बनना चाहिए। जी बिल्कुल बनना चाहिए। कांग्रेस की क्या भूमिका भाई? हमारे देश के जवान जो मारे गए उन्हें कौन देख रहा था? उनके परिवार को कौन देख रहा? उनको भी तो जरूरी है, वो तो सबसे महत्वपूर्ण है। उनको भी नहीं देखा जा रहा? क्या उनकी फैमिली नहीं है? क्या उनकी जान क्या वैसी आई थी फालतू, जो देश की मतलब रक्षा करते करते अपने गोलियां खाते हैं उनके लिए कुछ नहीं? उसको नहीं दिखा सकते? तब वो प्रधानमंत्री जी की कहाँ गई थी? आज फिल्म के ऊपर इतना तूल पकड़ाया जा रहा कि देश के अंदर दंगा हो जाए। एक देश के प्रधानमंत्री को ये सोच को अलग करना चाहिए और एकता की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो कमा रहे भाई, आज 150 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। तो मैं कहता हूँ कश्मीरी पंडित जी जो जिनको बाहर किया गया है, जिनके साथ कांड हुआ है, उसको उनपे खर्च कर दें, क्योंकि उनके नाम से तो कमा रहे हो आप पैसा, उनके नाम से पैसा कमा रहे हो तो उनके उसमें लगाइए ना। जी जी ये पैसा सब उसी में लगाना चाहिए, और बल्कि प्रधानमंत्री जी को सबसे लंबा बजट वहां पास करके उनको स्थापित कराए, ये होना चाहिए। महेश नंद में कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष भोपाल से मेरी राय ये है कि जो ये पिक्चर बना रहे हैं और वो भी कश्मीर पंडित को लेकर कि वहां पर कुछ घटना हुई, मारा पीटी ब्राह्मणों के साथ हुई, पंडितों को मार के भगाया गया, ये पिक्चर बनाने वाले से और बनवाने वाले से मैं ये कहूंगा कि आपकी इतनी ओछी मानसिकता सामने पूरे देश के सामने उजागर हुई है। क्यों? क्योंकि SC ST अनुसूचित जाति का व्यक्ति इतना पिटरा है, इतना शोषण हुआ है, इतना उनके साथ में ऐसा कुर्त व्यवहार हुआ है कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। हर देश में भारतीय और भारतीय जनता पार्टी और RSS और हिंदू हिंदू कौन सा हिंदू जो ओछी ओछी मानसिकता RSS का व्यक्ति SC के लोगों को पिटवाता है, उनके साथ में अभद्रता व्यवहार करता है, उनकी बहनों के साथ अभद्र व्यवहार करता है, बलात्कार करता है, लूटपाट करता है, आग लगा देता है, बराबरी पर खड़ने पर होली पर होली की जो जलती है होली पर धक्का मार देता है। इस देश में ये कोई अभी 2-4-10 साल की बात नहीं, हजारों साल से इस समाज के साथ में प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं वो लोग। इन्होंने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है, आरक्षण का विरोध किया है, उस पर ये कभी पिक्चर नहीं बनाते। कभी SC ST के मुद्दे पर ना तो नरेंद्र मोदी जी ना तो इनका जो नेता है RSS का जो चलाता है हिंदुत्व मोहन भागवत जैसे कोई कई भी व्यक्ति कभी भी SC ST के बारे में नहीं बोलते। ये केवल और बाबा साहब अम्बेडकर जी की जब पिक्चर आती है तो उस पर विरोध खड़ा कर देते हैं और उस पिक्चर को देखते हैं तो कटाक्ष कर देते हैं कि नहीं कोई पिक्चर हिंदुत्व नहीं देखता। आप सोचिए
किस देश में कितने वर्षों से, और आज भी पेपर उठाकर देख लो एक हफ्ते में कम से कम 6 बार 7 बार घटनाएं घटती है पूरे देश में, और ऐसी घटनाएं घटती है कि कभी तेजाब फेंक देते हैं, कभी पेशाब पिला देते हैं, कभी घोड़े पे नहीं चढ़ने देते, कभी बारात में नहीं जाने देते, कभी डीजे नहीं बजाने देते। यानी आज भी वो हमसे कुछ समझते हैं हमारे समाज, तब उनने पिक्चर नहीं बनाया। हाल ही में कांग्रेस के विधायक के द्वारा भी ऐसी, विधायक के परिवार के द्वारा भी ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था सागर के बंडा में, कि एक दूल्हे को जो अनुसूचित जाति से था घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया और बारात को अभद्र व्यवहार के साथ को भगाया गया, इससे क्या राय रही? वो विधायक कौन था? कांग्रेस के ही विधायक थे। इनकी मानसिकता मैं बता रहा हूँ, मानसिकता किस प्रकार की मानसिकता है, ये कौन है? ये वो बंदा है जो कांग्रेस के टिकट तो ले लेते हैं लेकिन मानसिकता वही रखते हैं। कांग्रेस में आते जरूर है लेकिन वही ठाकुर पना रखते हैं, वही ब्राह्मणवाद रखते हैं। या देखो पीसीसी में भी आज अनुसूचित जाति का विभाग यानी कई विभाग में तरह तरह से बात रखे, लेकिन हम अपने दम पर राजनीति करने आए हैं, इनके दम पर राजनीति करने नहीं आए कि भैया आप हमें सपोर्ट करो, हम अपने समाज की हेल्प के लिए आए हुए हैं, यहाँ हम बैठे हुए हैं, ये हमारा अधिकार है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी कांग्रेस ने मौका दिया था भारत का संविधान बनाने के लिए, और उन्हें एक बार उन्हें कई मौका दिया, उनका सम्मान इसलिए किया गया जो बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं, उनके असूलों पे जो चलने वाले लोग हैं, इसलिए हम आज कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस का जो विधायक है जिसे सागर में हो या कहीं भी हो, इनकी जो मानसिकता है ना वो कौन बदलेगा? ये वो लोग बदलेंगे जिन्होंने पिक्चर बनाई, पिक्चर बनाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं। आज पूरे देश में देख लीजिए, मैंने कहा रिपीट नहीं करना चाहूंगा, इस देश में कभी एससी एसटी के बारे में कभी भी किसी ने कभी भलवंती नहीं दी। राष्ट्रीय जितनी भी योजनाएं थी, ये भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं जो इनमें अभी हाल 2011 में सारी योजनाएं बंद कर दी जो केंद्र से संचालित होती थी, और जिसको अपने हमारे जो है कांग्रेस की देन थी जिस योजना को चला रहे। रही बात महंगाई की, तो महंगाई तो पूरे देश में आसमान छू रही है। आप पत्रकार बंधु, आपसे ये बात छुपी नहीं, और आप लोगों को तो चलाना चाहिए। कांग्रेस की सरकार में उठा के देख ली 2004 में 450 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था और आज 1100 पार कर गया। पेट्रोल 70-80 रुपए था, आज 110-120 रुपए हो गया। तेल 60 रुपया, कोरोना काल में हमने खुद घर घर कोरोना काल में 70 रुपए या 75 रुपए किलो तेल हमने खुद बांटा है, और कुंटलों से तेल और आटा दाल चावल बांटा है, लेकिन आज वो 200 से ऊपर पहुंच गया। आज किराना देख लो, किराना उठा के देख लो, पहले 3000 में घर चला लिया करते था, आज 10000 में घर की पूर्ति नहीं हो रही, 15000 में घर की पूर्ति नहीं हो रही। पहले सिंगल व्यक्ति कमाता था, आज पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, इसके बाद में घर का परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा है। महंगाई उस दौर में भी देख लीजिए आप, सरकार ने जितने प्राइवेटकरण किया, जो निजीकरण किया है, अभी देश के लोगों को और हमारे एससी एसटी के लोगों को समझ में नहीं आ रही है। हम कह रहे हैं जो निजीकरण का जो मामला है, निजीकरण का मामला है कि एक योजना विधिवत तरीके से जो आरक्षण था वो उठा के हमने किसी बनिया के जेब में डालना, आरक्षण मतलब प्राइवेटकरण करके, और फिर वो प्राइवेट क्या करेगा, बड़ा बामन बनिया वो फिर हमारे समाज के लोगों को रोजगार देगा ठेके पे, 2 साल तुमसे काम कराएगा, 3 साल तुमसे काम कराएगा, फिर उसको धक्का मार देगा। ये निजीकरण हुआ। निजीकरण का मतलब हुआ कि टोटल आरक्षण और आरक्षण खत्म करने की मुहिम है देश में, और एक बार ये एससी एसटी के लोग जो है ना उनको समझ में आ जाएगी तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। अभी इन्हें कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ कांग्रेस अच्छा कर रही है, बीजेपी अच्छा कर रही है। अगर कांग्रेस के मन में अगर जरा सी भी घृणा और नफरत होती ना तो भारत का संविधान बनाने के लिए बाबा साहब को मौका नहीं देते आज। कांग्रेस पार्टी से एससी एसटी के लोगों को देखो, कहीं ना कहीं हमारे बड़े नेताओं से थोड़ी सी चूक हुई होगी, ठीक है। चूक होने का मतलब ये नहीं कि वो कट गए, वो अपने लोग थोड़े से दूरियां इसलिए बना के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे एससी एसटी के लोगों की बात कांग्रेस अभी वर्तमान में नेता नहीं कर पाए। बात तो करिए, क्योंकि जितनी भी 70-80 साल देख लो आप, 75 साल देख लो, जो कांग्रेस की विचार है, कांग्रेस ने जो दिया है, ये तो क्या 100-100 साल 200-200 साल भी हमारी पीढ़ी कर्ज नहीं उतार सकती। किस गांधी खानदान की, राजीव जी, इंदिरा गांधी जी ने जो किया है
आप चले जाइए, इंदिरा सागर बांध बंधा हुआ है, एक बार इंदिरा सागर बांध को देख लीजिए आप। इंदिरा सागर बांध पुनासा डैम के पास में है और वो बांध ने पूरे देश के किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को इतना एक बार इतना कर दिया कि किसान कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। अब किसान को भी लोग भ्रमित कर रहे हैं, अनुसूचित जाति के लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं। जिन जमीनों को 15-15 हजार रुपए में लोगों ने खरीदी, वो जमीन आज 25-30 लाख रुपए एकड़ हुई और प्योत की जमीन हो गई, नहर निकाल दी इंदिरा गांधी जी ने। अब मकान मिले, आज जो मकान पूरे देश में जो हुए हैं, आज देख लो पूरे भोपाल शहर में देख लो, जितने भी सिलम एरिया में जो पट्टे मिले हैं या मकान मिले हैं, वो किसने दिए? अभी मैं गया नीलवर रातिबल में गया तो हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी ने पूरी जमीन, करोड़ों अरबों रुपए की जमीन, 2-2 एकड़ जमीन SC ST के लोगों को बांटी, आप जाकर देख लीजिए। तो भैया ये एक बार इंदिरा गांधी जी ने या इंदिरा खानदान के परिवार के लोगों ने किया, कर दिया। अब बार बार आपको और क्या चाहिए? बार बार आप डिमांड करोगे, हमारे डिमांड से मतलब नहीं, हम चाहते हैं कि जो 70 साल में हमारे समाज का जो आदमी आज आगे बढ़ा है, अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें वापस खींच रहे हैं। ये संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे और इनके बच्चों को फुटपाथ पे बैठने के लिए फिर मजबूर कर देंगे। वो दिन दूर नहीं है जब हमारा समाज फिर से वो दिन देखेगा जो पहले लोग हमारे साथ जो व्यवहार करते थे, वो व्यवहार फिर से पुनः ये करना चाह रहे हैं। जो समाज को समझना पड़ेगा, SC ST लोगों को समझना पड़ेगा, उनके बच्चों को समझना पड़ेगा। दलितों पर तो कई हजार सालों से गुलामी का जंजीर से वो जकड़ा हुआ है और उनके साथ अन्याय अत्याचार होना कोई नई बात नहीं है। नहीं, उन अभी भी होते रहना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। जितना जो कुछ भी हुआ पिछले वर्षों में, कई वर्षों से दलित आदिवासी गुलामी की जिंदगी जीते रहे, छुआछूत और अनटचेबल का साथ उनके साथ व्यवहार किया गया। इस मुद्दे को अगर किसी ने उठाया था तो हमारे भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है कि जो आज हम इस लायक बने। यदि उनका संघर्ष नहीं होता तो शायद आज भी हम वही होते जो पहले थे, आज के 100 साल पहले। आज भी SC ST के सरपंच बड़े मंचों पर नहीं बैठ पाते हैं। बिल्कुल सही सही बोल रहे हैं आप, के बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 100% सही कि आज भी SC ST के सरपंच मंच पर नहीं बैठ सकते हैं और उनके साथ भेदभाव होता है। और क्योंकि इस दिशा में जितना जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है, इस बात को तो हम स्वीकार करते हैं कि यदि कांग्रेस की जगह यदि कोई दूसरा दल होता तो शायद आज दलितों के साथ जो जितना हुआ हो रहा है, प्रगति उन्नति, वो और कोई नहीं कर सकता। इस बात के लिए हम 100% कह सकते हैं कि कांग्रेस ही एक हमारी एक ऐसी माए बाप है जिसने हमको इस लायक बनाया यहाँ। कश्मीर फाइल के बारे में मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस तरीके से उसको एक हवा देकर के एक मूवमेंट को बढ़ाया जा रहा है इस देश में, हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो खाई पर रखी जा रही है, क्या चुनाव आ रहे हैं 2023 और 24 में, अभी चुनाव संपन्न हो गए हैं, एक नई मुद्दा उन्हें लिया हिंदुत्व को लेकर के, फिर भी कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ और उनको भगाया गया, उनका पलायन हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप यदि फिल्म नहीं बनती तो क्या इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कश्मीर पंडितों के साथ क्या हो रहा है? फिल्म बनी तभी इनके दिमाग में आई बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेताओं की बात। क्या इनका ध्यान कभी इस तरफ नहीं जाएगी? जब फूलन देवी के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ था, उसके ऊपर बैंडिट फिल्म बनी थी, तो उस समय इन लोगों ने विरोध नहीं किया? क्या वो इसलिए देख रहे थे कि हाँ दलितों को महाभिषण के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? तुम देखो देश के लोगों, उस समय तो इन्होंने उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया, उस समय तो इन्होंने नहीं कहा कि ये गलत हुआ है। आज इनको कश्मीर फाइल ही समझ में आने लग गई। अभी भीमा कोरेगांव के साथ जो घटना हुई उसमें हमारी फिल्म बनी, उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? ये सब ये हमारे साथ दोगली नीति हो रही। इस देश में हिंदुत्व और RSS, भाजपा और RSS इस देश में दंगा भड़काना चाहती, हिंदू मुसलमान को एक नहीं लेना चाहती, इस देश का माहौल खराब करना चाहती, ये मैं कहना चाहता हूँ।
इस समय इस मुद्दे पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ध्यान दिया है और मुझे उम्मीद है कि वो आने वाले समय में इस पर अच्छा एक्शन लेंगे और इस समय हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो भी घटना होगी, माननीय कमलनाथ जी हमारे देश की इस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में और हमारे यहाँ के जो लीडरशिप है उनके नेतृत्व में हम इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे और सतर्क और सटीक बात रखेंगे ताकि इस देश का माहौल खराब नहीं हो सके। बच्चों के द्वारा और महिलाओं के द्वारा जो दूध के भाव बढ़े हैं 5 रुपए साची दूध जो हमारे हाथ में है, ये निश्चित तौर पर महंगाई पहले से ही है। डीजल पेट्रोल रसोई गैस के भाव 7वें आसमान पे है। खाने का तेल 200 पहुंच रहा है। बिजली के बड़े बड़े बिल हैं। ऊपर से दूध की मार और ये बच्चों के काम आता है। घरों में ये महिलाएं हैं, चाय बनाने का काम आता है। घी के भाव भी बढ़ गए हैं 20 रुपए से। तो आखिर ये सरकार जो है मध्यप्रदेश की भाजपा की शिवराज जी की जो मामा कहलाते हैं और भांजे भांजियों की बात करते हैं, ये भांजे भांजी पिट रहे हैं, इनका मुंह का दूध छीना जा रहा है, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है। हमारे वहीद भाई और तस्लीम लखरी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है और मांग है कि इसको मूल्य वृद्धि वापिस ले, इससे और कम करें जिससे इन बच्चों का इन घरों के अंदर इस दूध का इस्तेमाल हो सके और बच्चे दूध पी सके। सरकार का पूरी तरीके से विरोध कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करता महंगाई बताएंगे राज भाई क्यों नहीं करवा रही, क्या दिक्कत आ रही है तो कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी जब भी महंगाई बढ़ती है दरें बढ़ती है हमेशा विरोध करती है। कल दूध के दाम बढ़ाए गए, कांग्रेस पार्टी ने अभी यहाँ पर दूध के बढ़े हुए दामों को लेकर विरोध किया। वहीद भाई के नेतृत्व में उसके हमारी पार्षद तस्लीम जी के नेतृत्व में यहाँ पर बच्चे छोटे छोटे बच्चे दूध के पैकेट लिए हुए खड़े हुए हैं और दूध के रेट 4 रुपए ज्यादा बढ़ा दिए हैं, घी के दाम बढ़ा दिए हैं। आम सामान चाहे हम खाने के तेल की बात करें, दाल चावल शक्कर किसी की भी बात करें, हर चीज के भाव दौड़े और दुगने हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आम जनता का गरीब जनता का रहना दुष्कर हो गया, खाना पीना मुश्किल हो गया है। अब तो ये नौबत आ गई है कि बच्चों को माए हमारी दूध भी नहीं पिला सकती, दूध भी महंगा हो गया। और जो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी विरोध क्यों नहीं करती, आज हमने 20 तारीख को जो सरकार गिराई थी भारतीय जनता पार्टी में खरीद पर हुए उसका विरोध किया। आज यहाँ ये दूध के भाव बढ़े इसका विरोध किया। विधानसभा के अंदर विधानसभा में जब हमने विरोध किया तो 25 तारीख तक चलना था विधानसभा, इन्होंने विधानसभा पहले 10 दिन पहले स्थगित कर दी। ये कांग्रेस जो विधायक आम जनता की बात विधानसभा में उठाते हैं उसके जवाब इनके पास नहीं है, चाहे महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, इसलिए विधानसभा चल नहीं देते और कांग्रेस के विरोध की वजह से ही इन्होंने विधानसभा जल्दी स्थगित की। लेकिन हम सड़कों पर लड़ाई लड़ते रहेंगे और 2023 को ये जनता भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री शिवराज जी को सबक सिखाएगी। सर वो बीजेपी कह रही है सर कि बजट में बच्चों की व्यवस्था रखा है, सर बजट में बच्चों की व्यवस्था? अरे कोई नहीं रखा बजट में, चाइल्ड बजट जो कह रहे हो उसकी बात कर रहे हो? कुछ नहीं है। जो चीजें पहले से स्कूल के लिए बाकी चीजों के लिए जो होती है उसी को चाइल्ड बजट कह दिया है। ये वही नाम कान को यूं पकड़ने के बजाय यूं पकड़ लिया है और कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाने की है, ध्यान बटाने वाली बात है। यही चाइल्ड बजट है, 4 रुपए महंगा कर दिया। फिल्म बनाने की जरूरत है क्या? महंगाई के ऊपर फिल्म बनाने की जरूरत है क्या? अन्य मोदी जी का ध्यान आकर्षण जब भी होता है जब कोई फिल्म के द्वारा पता चलता है तो महंगाई पे भी कोई फिल्म बनने की आवश्यकता लग रही है क्या? देखिए ये जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के ये विलन का काम करते हैं। आज तक इन्होंने कोई हीरो का काम नहीं किया। जो पिक्चर बनाई है उसके बारे में कल बोलूंगा मैं। 12 बजे का शो हम देखने जा रहे हैं और जब वहां से लौटेंगे देखने के बाद तब बताएंगे कि हकीकत क्या है, फैक्ट क्या है। आप आइए, आप आमंत्रित हैं वहां पर। देखिए
डीजल पेट्रोल रसोई गैस ये पहले से ही महंगे हैं, साथ में आसमान पे हैं, और रोज सुन रहे हैं कि इनके भाव और बढ़ने वाले हैं। खाने का तेल के भाव साथ में आसमान पे है, बिजली के बड़े बड़े बिल की मार है इन गरीबों को। अब बच्चों के मुंह से दूध भी छीना जा रहा है, उसके भाव भी लगभग 5 रुपए इन्होंने महंगे कर दिए हैं। आखिर ये सरकार चाहती क्या है? मतलब दूध से लोगों का जो बच्चे हैं उनका शरीर ठीक से बने उसके खिलाफ भी, और माँ वो कहते हैं मैं मामा हूँ भांजे भांजिया, अरे ये भांजे भांजियों का होगा क्या? दूध महंगा कर दोगे, हर चीज महंगी कर दोगे, ये सब मूल्य वृद्धि को वापस लेना चाहिए, ये हमारा कहना है सरकार। खाद्य सामग्री जितने भी है इसके बावजूद महंगाई सरकार का मैनेजमेंट खराब है, सरकार पूरी तरह से हर क्षेत्र में फेल है, कर्ज ले रही है, कर्ज लेके घी पी रही है, वो भी महंगा वाला घी। ये पिछले 6-8 महीनों में 60,000 करोड़ का कर्जा लिया है, आप हम सब पे जो है 5-5 हजार का कर्जा है हर एक व्यक्ति पे, हर एक बच्चे के ऊपर, आज ये हालत कर दी है। और जो बजट है 2.5 लाख करोड़ का और कर्जा है 3 लाख करोड़, बजट से ज्यादा कर्जा है, बहुत स्थिति खराब है। ये केवल घोषणा, वीर मुख्यमंत्री घोषणा के अलावा कुछ नहीं करते। लगातार डीजल पेट्रोल और गैस की मूल्य वृद्धि बढ़ती हुई नजर आ रही है और महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। मैं कहना चाहूंगी शिवराज सरकार से, आखिरी एक यही फंडा बचा था कि आपने मासूम बच्चों के मुंह से दूध का निवाला भी छीन लिया। आंगनबाड़ियों में बिल्कुल भी दूध नहीं आ रहा है, एक टाइम था जब पौष्टिक दूध आता था आंगनबाड़ियों में, आज आंगनबाड़ियों में दूध भी नहीं आ रहा है, खुली आ रही है कंकर पत्थर वाली खुली आ रही है, ऐसा आहार दे रहा है आंगनबाड़ियों में कि बच्चे मासूम कभी भी जो है ना पेट नहीं भर सकते हैं। हम कहना चाहते हैं शिवराज सरकार से, क्या चाहते हैं वो? आप आखिरी ये मासूम बच्चों के मुंह से निवाला छीनने के बजाय किसी और चीजों में, फिल्मों में, फिल्में बनाने के बजाय इन गरीबों के मुंह में निवाला देते तो ज्यादा बेहतर रहता। इन गरीब बच्चों के मुंह से दूध का निवाला भी छीन लिया उन्होंने, शर्म आना चाहिए शिवराज सरकार को। बच्चों को लेकर इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या है? मासूम बच्चों से मामा कहते हैं, मामा बनते हैं मासूम बच्चों के, उन्हें शर्म आना चाहिए। अगर उन्होंने रेट वापस नहीं लिए दूध के, मूल वृद्धि कम नहीं करी, तो हम सड़कों पर उतरेंगे और सीएम हाउस का घेराव करेंगे बहुत जल्द। आप एक गृहिणी हैं और आपको पता होगा कि आज महंगाई आसमान पर चल रही है, सब्जी बनाने में, एक हंडी बनाने में लगभग कितना खर्चा आता होगा? एक हंडी बनाने में कितना खर्चा आता है कोई सहाई नहीं है सर, कोई वो नहीं है सर, क्योंकि उन्हें कोई टेंशन नहीं है। गैस पे हम खाना बनाए तो किस तरह से बनाए, 1,000 रुपए का गैस हो गया है, सोचिए आप, उस पर 1,000 रुपए के गैस पर हमें दाल बनाना है और चावल बनाना है, ठीक है ना? जैसे बीजेपी विरोध करती है, आप लोग क्यों नहीं आता? हम लोग विरोध करते हैं मगर हम लोगों का विरोध दिखाई नहीं देता है, मीडिया पूरी तरह से, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आप लोग हमारे विरोध को बताइए ना, उन तक पहुंचाइए ना, हम विरोध कर करके हमारी चप्पलें टूट चुकी है। और अगर हम लोग विरोध करते हैं सड़कों पर तो हम पर केस बना दिए जाते हैं, हमको जेलों में डाल दिया जाता है, हमें केस बना दिए जाते हैं, हम जाए तो जाए कहाँ? विधानसभा में हमारे विधायक जब बात रखते हैं अपने तो बायकॉट कर दिया जाता है। आप बताइए ये गूंगी बेरी सरकार, इसके आगे बीन बजा नहीं है बस एक तरह से। तो अब आप मामा को क्या क्या मैसेज देना चाहती मामा को? आप मामा से यही कहना चाहेंगे कि आप थोड़ी शर्म कर लो, कुछ चीजें राजनीति से हटकर भी होती हैं, और मामा से हम कहना चाहते हैं कि मासूम बच्चों के मुंह से कम निवाला तो न छीने आप। मैं खुशी के लम्हों की माला पिरोता हूँ, खूबसूरत यादों को सजाता हूँ, यादें जो कि याद रह जाती हैं। कॉन्टैक्ट 9666953021।